जहाँ हम इलेक्शन के साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अभी बिजी है, लेकिन हमें रिपोर्ट आई थी कि कोई बंदा है यहाँ पे, इसने शामिलात जमीन पे इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। तो इलेक्शन की मसरूफियात को ना देखते हुए हम यहाँ पे, देखो आप टाइम देखो भी क्या है, बारिश में आ गई, इसको हमने पूरा डेमोलिश किया। लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि इलेक्शन की मसरूफियात का फ़ायदा ना उठाते हुए कोई भी सरकारी ज़मीन पे या शामिलात ज़मीन पे इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करे। मिल्कियत ज़मीन पे भी अगर किसी को कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए परमिशन इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल हाउस हो या कमर्शियल। मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि वो परमिशन ले लें, परमिशन के बाद जो भी उनको बनाना है बनाए, ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करें। जो कोई भी बनाएगा हम सबों का डेमोलिश करेंगे और अगर नौबत पड़ी तो FIR भी उनके खिलाफ लॉन्च करेंगे। तो लीगल जो मिल्कियत ज़मीन पे है, देखो सरकार की तरफ से इसमें क्लियर ऑर्डर है, आपको चाहे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन बनानी है उसके लिए भी अथॉरिटी नोटिफाई है जो आपको परमिशन देगी। आपको रेजिडेंशियल हाउस बनाना है चाहे रूरल एरिया में भी बनाना हो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। तो मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि ये परमिशन ले, कोई गैरकानूनी काम ना करे। इनको एक तो पैसों के हवाले से भी नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं उन्होंने यहाँ पर खर्चा किया सारा डिस्ट्रॉय हो गया। और दूसरा हम इनके खिलाफ फिर FIR की कार्रवाई भी करेंगे। थैंक यू।